आज मैं आपको एक हाथ कैसे सही तरीके से तबले पे रखा जाए ये जानना बहुत इसलिए जरूरी है कि जब तक आप इसको नहीं जानेंगे तब तक सही साउंड हाथ से नहीं आएगा, सही तरीके से आपकी फिंगर नहीं चलेंगे। इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। और मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सबसे शुरुआत में कुछ लोग बच्चे क्या होते हैं, मैं कितना जल्दी बजाने लगूं इस पे छोटे छोटे चीज छूटते चले जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि कुछ ऐसी गलतियां हो। जब इतनी सुविधाएं बढ़ी हुई हैं, आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, हर वीडियो देख रहे हैं, तो इतना कुछ होने के बावजूद मैं नहीं चाहता हूं कि छोटी छोटी गलतियां हों, तो आप उसको जरूर जाने, ठीक है। तो सबसे पहले फिंगर कैसे रखा जाए, ये आपका ये राइट हैंड है, राइट लेफ्ट, कुछ लोग लेफ्ट से भी बजाते, कुछ लोग राइट से बजाते हैं, तो जिनका जो है उस तरीके से प्रयोग करेंगे। ये जो उंगली है आप आराम से, ये ब्लैक वाला जो है आपका एरिया, जब ब्लैक वाले एरिया पे जब ऐसे ऐसे रखते हैं आप, रखने के बाद अब हमें ये जगह भी पहचान में आना चाहिए, ऐसा ना हो कि उंगली मेरी यहां चली जाए तो साउंड क्वालिटी आपकी नहीं आएगी। तो उसके लिए आपको फिंगर रखना बहुत सही आना चाहिए। और कुछ लोगों का क्या होता है कि इतना ज्यादा ऊपर नीचे होता है ये चीज, उससे भी साउंड क्वालिटी बदल जाती है। तो हम ये चाहेंगे कि आप फिंगर को एकदम सही तरीके से रखिए कि बहुत ज्यादा ये स्लिप न करे, इसका रियाज करेंगे सही हो जाएगा। थोड़ा तो हिलता है लेकिन बहुत ज्यादा हिलने की जरूरत नहीं है। देखिए ये पकड़ा रहेगा जगह, इसका ध्यान रखिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जो बाद में सुधारने में बहुत प्रॉब्लम आती है। आप जब बजाएंगे बाद में तो बिगड़ जाने के बाद उसको सुधारना बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए मैं बहुत आराम से आज बता रहा हूं कि इस पे आप विशेष ध्यान रखें। उसी तरीके से आप जब अपने बाएं हाथ पर आएंगे लेफ्ट हैंड पे, तो ये पोर्शन जो है ये ऐसे आप रखेंगे, रखने के बाद ये दोनों फिंगर एक साथ ऐसे मारते हैं, फिर उसके बाद ये। बहुत लोगों का क्या होता है कि हाथ ये चीज उठता रहता है, नहीं उठाने की जरूरत नहीं है, ये मेरा ऐसे रहेगा और इसको ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो जाके बहुत लोग का हाथ ऐसे हो जाता है ऐसे ऐसे। मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं कि ऐसा मैंने देखा, इसलिए सोचा कि बताऊं। इस तरीके से आप बाएं का प्रैक्टिस करिए, फिर ये दोनों लेके कैसे, फिर आपका हाथ सही सेट हो जाएगा। जब आपका हाथ सेट हो जाएगा तो उसके बाद और बोलों की तरफ आप बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे ये मैं फिर आपको बताऊंगा।